संत निरंकार मिशनच्या वतीने दिनांक 27 जानेवारी 2019 रोजी ठक्कर मैदान बोरगड नाशिक येथे आयोजित करण्यात आलेला एका आकर्षक सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये संत निरंकार मिशनच्या आध्यात्मिक प्रमुख सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या पावन छत्रछायेखाली 74 जोडपी विवाहबद्ध झाली. आयोजित केलेल्या या विवाह सोहळ्याचा प्रारंभ निरंकार मिशनच्या पारंपरिक जयमाला आणि प्रत्येक जोडप्यांच्या गळ्यात सामूहिक हार घालून करण्यात आला. त्यानंतर सुमधुर संगीताच्या चालीवर पवित्र मंत्रांच्या रूपात असलेल्या 4 निरंकारी लावांचे गायन करण्यात आले. प्रत्येक लावांच्या शेवटी सद्गुरु माताजी व उपस्थित भाविक भक्तगणांकडून वधूवरांवर पुष्पवर्षाव करण्यात आला. या विवाह सोहळ्यामध्ये मुंबई परिसरातील 29 वर आणि 28 वधू होत्या. उर्वरित महाराष्ट्रातून 39 वर आणि 36 वधू आल्या होत्या. 6 वर आणि 10 वधू इतर राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील होत्या. के त्रिपुर में संत समागम के 27 जनवरी 2020 को मिशन ने सामूहिक शादियों का ये दिन रखा है, जिसमें 74 सामूहिक शादियां हो रही हैं. और हर्ष की बात ये है कि नासिक में जो ये बड़ी पवित्र धरती है, यहाँ पर 29 ग्रूम जो वर हैं वो मुंबई से आए हैं, 28 वधु मुंबई से आई हैं, और अपने बाकी जो जोन महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर 39 वर हैं और 36 वधु आई हैं. इसके अतिरिक्त बाकी जो हिंदुस्तान इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें में ही 6 वर हैं और 10 वधु हैं और 1 वधु यूके से आई है. तो ये जो मैसेज है मिशन का वो ये है कि एक सिंपल मैरिज हो, वर वधु के परिवारों के ऊपर उस तरीके का जो दिखावा है वो ना हो, क्योंकि मिशन इनके लिए ना कि ये अरेंजमेंट करता है इनकी रिहाइश के लिए, इनके पोशाक भी हर प्रकार के जो एरियाज हैं वो देख करके, कहने का तात्पर्य है ये कि आज सिंप्लिसिटी ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो दूर हो गई है, आज दिखावा बढ़ गया है, लेकिन प्रभु के नजरिया में हम सब एक हैं. तो वो एकता के अंदर में ये सामूहिक शादियां जो हैं वो सबको हर स्थिति के जो हैं, जो आपको ये भी हर्ष होगा कि स्वयं बाबा जी की भी जब शादी हुई थी या सदगुरु माता जी की भी, वही सामूहिक शादियों में की गई, ताकि ये संदेश जाए कि हम सब एक हैं, हर प्रकार एक है, इकोनॉमिक वाइज कास्ट वाइज हम मानते नहीं है, क्योंकि एक प्रभु और एक इसके हम बालक स्वर्गीय आनंदाची अनुभूती करू असा हा संदेश आहे. रामाच्या रूपानं आणि त्यानंतर मग खुशीचा जो रांगोळ आहे आपल्याला पाहायला मिळेल. सगळी मातांचा आशीर्वाद विचार रूपानं दिलं जाईल आणि तेव्हाचे लग्न सोहळा मानला जातो. तर असा हा एकंदरीत जो आहे कार्यक्रम थोड्याच वेळात आपल्या पुढे होणार आहे आणि आता सगळी माता येत नाही. हे सगळे आमचे नारी यामध्ये भिन्नता असूनही यांचा एकमेकावर समान अधिकार आहे. जोडीने पूर्ण करावं की अधिकारासोबतच सुख दुःखाच्या बदलत्या परिस्थिती आपण एकत्रितपणे आमच्या जबाबदारी. ताज्या व ठळक बातम्यांसाठी आज चॅनल सबस्क्राईब करा.